हेलो माय ब्यूटीफुल सोशल मीडिया फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे, हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल डिश शीर खुरमा। शीर खुरमा तो एक बहाना है हमें अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को ईद मुबारक कहना है। तो शीर खुरमा तो सभी के घर में बनाते हैं और सभी एक्सपर्ट होते हैं। तो आज हम अपना स्टाइल आपसे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 4 लीटर दूध ले लिया है और इसको बॉयल कर लिया है। और यहाँ पर हमने मेजरिंग कप से 1 कप मिल्क पाउडर लिया था और उसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिया था। तो ये इसमें हम ऐड करेंगे। और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है हम इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पे हम रखेंगे पैन, थोड़ा सा पानी है इसको सूखने देंगे और ये हाथ के हाथ हिलाते रहेंगे दूध पे, चम्मच इसको चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे हमने पैन में 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं थोड़े से काजू, ये 5-6 घंटे पहले भिगो के इसको ऐसे तोड़ लिया था, तो ये भीगने से ऐसे आधे आधे आराम से हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने 5-6 घंटे पहले भिगो के इसको काट लिया था। और यहाँ पे सिर्फ खोपरा जो है इसको नहीं भिगोया, बाकी सब चीज़ों को हमने भिगो लिया था। तो यहाँ पे घी गरम होने देंगे। घी गरम हो गया, इसमें हम सारी चीज़ें 1-2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे। काजू डाला, बादाम, गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और इसको 1-2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना है और ना ही इसको ज़्यादा पकाना है, बस 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ये 2 मिनट हमने सॉटे कर लिए। अब ये खोपरा डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, हमारे घर में बस इतना ही पसंद करते हैं इसीलिए हमने इतना ही डाला है। इसमें छुआरे भी डाल सकते हैं आप और किशमिश भी डाल सकते हैं। इसको 1 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ये हो गया, इसको हम उतार के साइड पे रखते हैं। और ये जो दूध हमने दूसरे चूल्हे पे रखा था यहाँ रखते हैं। और ये चीज़ जो हमने की है थोड़ा सा बचा लेंगे, बाकी इसमें डाल देंगे।
गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा बचा लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और तब तक यहाँ पे हमने लिया है 2 पिंच इलायची पाउडर। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, काजू डाला था उससे पहले इलायची डाल के उसको ऑयल वो घी में गरम कर लें। ये मुंह में आते हैं इसीलिए हमने पाउडर डाला है, ये छिलका समेत पिसा हुआ है। ये ज़रा सा पकने दें फिर उसके बाद बताते हैं। ये दूध पक रहा है। यहाँ पे हमने लिया है 150 ग्राम सेवइयाँ जो छोटी छोटी तोड़ लिए हैं, ये डालेंगे। और साथ ही मेजरिंग कप से 1.5 कप चीनी लिए तो साथ ही डाल देंगे जब तक ये पकेंगे। जब तक चीनी डिजॉल्व होगी तब तक ये पक जाएंगे वरना ये ढसला हो जाएंगे। और इसको 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। ये पक गए। हाँ, आपको बताना था कि इसमें 1/2 कप चीनी और डाला था, आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल लें। ये पक गए हैं, अब इसका चूल्हा ऑफ करते हैं और इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए फ्रेंड्स, सिंपल मगर मज़ेदार शीर खुरमा तैयार। सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।